अक्षरा सिंह इस समय सबसे महंगे भोजपुरी गाने को शूट करने में व्यस्त हो गई हैं और उनकी व्यस्तता इस बात का प्रतीक है कि अक्षरा सिंह के जीवन में सब कुछ हरा भरा हो गया है। जैसे सावन में उन्होंने बाबा भोले की पूजा अर्चना की, उसके बाद अब उनके जीवन में हरियाली ही हरियाली आ गई है और टचवुड इस हरियाली को किसी की नजर ना लगे और अक्षरा सिंह के जीवन में यूं ही खुशियां बरकरार रहे। अक्षरा सिंह जब से इस बड़े बजट की फिल्म की शूटिंग में लगी हुई हैं, तब इस फिल्म पर जब हमने ये कार्यक्रम किया उस पर फैंस ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कोई कहता है अक्षरा सिंह गुड लक, कोई कहता है अक्षरा सिंह बहुत आगे जाएंगी और किसी किसी का तो ये कहना है कि अक्षरा सिंह लकी हैं, जिस चीज़ को छू देती हैं वो सोना हो जाता है। जैसे पारस किसी भी चीज़ को छू देता है बस वो सोना हो जाता है, वैसे ही अक्षरा सिंह वैसे भी लकी गर्ल हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। तो अक्षरा सिंह पर क्या है फैंस की राय, जैसे उन्होंने सबसे अब तक की महंगी फिल्म की है उस फिल्म पर दर्शकों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, देखिए ये रिपोर्ट। अक्षरा सिंह को लेकर सब कई बातें कह रहे थे, लेकिन अक्षरा सिंह ने अपने जीवन में परिवर्तन लाकर ये साबित कर दिया कि अगर आप संघर्ष के साथ चल रहे हैं तो आपके जीवन में नया सवेरा जरूर आता है। ऐसे ही नया सवेरा आया है और आज ऐसा वक्त आ गया है कि अक्षरा सिंह अपने जीवन की सबसे बड़ी महंगी फिल्म कर रहे हैं। जी हां, भोजपुरी सिंगर और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह यूपी और बिहार के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हो चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने अपने को एक्टर के साथ इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उनके आने वाले गाने की रिकॉर्डिंग की तस्वीरें हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया है, ये गीत भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शूट किए गए सबसे महंगे गीतों में से एक है। इसके अलावा फिलहाल अक्षरा रोमांटिक ड्रामा ढोली की शूटिंग कर रही है, जिसमें रितेश पांडे और उनके अपोजिट लीड रोल में उनके हीरो भी नजर आ रहे हैं, जिसमें रितेश पांडे उनके अपोजिट लीड रोल में नजर आ रहे हैं। वैसे रितेश पांडे के साथ उनकी जोड़ी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को अक्षरा सिंह बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही हैं। हम आपको बता दें कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह की जोड़ी लोगों को बहुत भा रही थी। इस बीच पवन सिंह और अक्षरा सिंह में जमकर कहासुनी हो गई, उसके बाद अक्षरा सिंह कहां मानने वाली थी। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के ऊपर केस कर दिया और फिर मामला सातवें आसमान पर पहुंच गया। अब मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि पवन सिंह को लेकर अक्षरा सिंह ने केस कर दिया मुंबई के मालवणी पुलिस स्टेशन में। उसके बाद पवन सिंह के घर के 5 लोगों पर उन्होंने जो केस दर्ज करवाया था, उसके बाद से मामला बढ़ता ही चला गया और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लगातार ये मामला तूल पकड़ने लगा और तमाम जो फैंस थे वो इस बात से परेशान हो रहे थे कि वाकई में अब दोनों के बीच क्या हुआ, क्योंकि दोनों सिल्वर स्क्रीन पर जब आते थे तो तहलका मचा जाते थे। खैर, पवन सिंह और अक्षरा सिंह की बात तो बहुत हो गई, हम बात कर रहे थे उनके फिल्मों की जो इस वक्त आ रही हैं और सबसे महंगे बजट की ये फिल्म है जो धूम मचाने के लिए तैयार हो गई है और तमाम जो दर्शक हैं वो किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जब आप देखेंगे तो सचमुच में आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अलग अलग फैंस ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दी है और फैंस का कहना है कि अक्षरा सिंह अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ती रहें और हमेशा तरक्की करें, कामयाबी को हासिल करें। तो अक्षरा सिंह को लेकर जो चीज़ें सामने आई उसमें यही बात निकल कर आ रही है कि अक्षरा सिंह ने संघर्ष को हमेशा से अपने साथ रखा, संघर्ष करती रहीं और जीवन में लगातार वो आगे बढ़ती रहीं। उनके जीवन में संघर्ष का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा है और इस रिश्ते को उन्होंने कभी भी तोड़ा नहीं, हमेशा संघर्ष के साथ वो चलती रहीं, इस वजह से वो लगातार आगे बढ़ती रहीं। फैंस की हम बात कर रहे थे कि कैसे फैंस उन्हें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। फैंस के प्यार की तो बात ही अलग है, फैंस जिसे चाहे उसे सराखों पर बिठा ले, जिसे चाहे उसे जमीन से आसमान पर पटक दे, लेकिन फैंस ने इस बार अक्षरा सिंह की इस महंगे गाने के बारे में क्या कुछ कहा है जरा आप जान लीजिए। सबसे पहले गुरजीत कौर की बात कर लेते हैं, वो कहती हैं कि वेरी प्राउड गर्ल, स्ट्रॉन्ग पावरफुल, शेयर इन लव यू अक्षरा जी, और
रूपा गुप्ता जी कहती है आई लव यू सो मच अक्षरा जी, लवली सॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रूपा गुप्ता ने एक बार फिर से कहा है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल अक्षरा जी, लव यू, लवली। और सपना कहती हैं अक्षरा सिंह गुड गर्ल। वाकई में अक्षरा सिंह अच्छी हैं, संघर्षशील हैं और ऐसे ही संघर्ष करती रहें। सोनू ने भी सोनू लिख के टाइप किया है, मतलब सोनू को भी बहुत पसंद है ये। तो अब यहीं पर पप्पू कुमार ने लिखा है सुपर। संदीप गुप्ता कहते हैं वेरी नाइस अक्षरा जी। और गंगेश एंड कृष्णा कक्कड़ कहते हैं अक्षरा सिंह हमेशा खुश रहें और उन्हें एक जीवन साथी की ज़रूरत है और वो आप सेटल हो जाए, शादी कर ले और अक्षरा खुश रहे, ये बहुत ज़रूरी है। वहीं धर्मेंद्र गोंड कहते हैं अक्षरा जी गुड, मतलब सबको अक्षरा जी बहुत अच्छी लगती हैं और अक्षरा जी से सब बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो इतना महंगा जब आइटम सॉन्ग उनके आने वाला है तो इसको देखने के लिए सब एकदम तहलका मचाते हुए नजर आ गए। तो अक्षरा सिंह को लेकर जिस तरीके से सब बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं तो वैसे ही अक्षरा सिंह हमेशा से खुश रहें और यूं ही बहुत सारा फैंस का प्यार मिलता रहे। तो यूं ही आप सभी अक्षरा सिंह पर प्यार लुटाते रहिए। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। अपने सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखा आपने किस तरह से अक्षरा सिंह के फैंस इतनी ज्यादा चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूलकर अक्षरा सिंह ने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई चाहे तो अकेले भी जंग जीत सकता है और वो जिंदगी की जंग में सबसे आगे निकल चुकी है, क्योंकि कामयाब वही है जो दुनिया को पीछे पलट कर ना देखे, सिर्फ और सिर्फ आगे देखे। अक्षरा सिंह ने यह साबित कर लिया, तभी तो आज उनके साथ इतने सारे लोगों का प्यार है और इतना प्यार लुटा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को बनाने में जो आप तमाम दर्शकों ने सहयोग किया है, आपने इतने सारे कमेंट्स दिए हैं अक्षरा सिंह की इस महंगी फिल्म पर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। यूं ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अक्षरा सिंह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। इन्हीं दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया, बेल आइकन दबाइए और अपने सुझाव दीजिए ताकि हम फिर से कार्यक्रम में शामिल कर सके आपके नाम। नमस्कार।